Maheshwari MLA GT Devegowda visit Bharat Nagar in the presence of local people. Ilyas Ahmed at Babuj minority city president welcome him, and Ilyas Ahmed at Babu gave a memorandum regarding many issues from basic amenities to local people suffering painful issues like no power, no UGD, bad streets, accident zones and water plant requirements and garbage bins etc. And mainly Ilyas Ahmed at Babu pointed out that Bharat Nagar and Amruta Badawane people don't have proper homes for all these matter. MLA GT Devegowda immediately takes a decision and call all engineers on the spot and orders them immediately has resolve all current issues of these people, and also promise people coming Monday the 12th of July all Bharat Nagar people who don't have homes submit their application to concern officer who will come to Bharat Nagar on that day only. Finally he inspect all area and promise people to resolve all problems. Manjanar and Nasir also present. Reports by Muhammad Shahid. Luminous Mysuru is the news channel in India, and also subscribe our channel for latest updates. कांत भी जाने, लेकिन तुम्हारे छत हो ना, तुम ना ये तुम्हारी मांग है, यानी तंग आ चुके हैं तुम्हें भाड़ा बन बन दो, ये बोलना चाहिए। अब तो घर में भी रख रही नहीं है, घर पकड़ा कर जाती, घर को घर में नहीं रख रही, भाड़े ज्यादा बड़ा दली है। अच्छा, हम यहीं से छोटे कूली। तुम्हारा नाम क्या? महमूदा बानो जी। महमूदा बानो जी। महमूदा, महमूदा कितने साल से? मैं भी इन आए बार नहीं आई। अच्छा, क्या बोल रहे थे? लॉकडाउन में, लॉकडाउन में खाने को नहीं रहा, तभी भाड़े दियो कर काको आदमियों को तकलीफ दे रही, खाने का है सालेंग नहीं, सालेंग रहे खाने को नहीं, यानी ये मुश्किल के टाइम पर भी भाड़ा बख्शा नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, हां बहुत तकलीफ है जी। जी 10 साल हो गए यहां छह हमारी झोपड़ी। कहां है सो? यहां ऊपर वाले रोड पर है, जहां हमने ये घर नहीं, डीसी वाले ऑफिस वाले पूरे जने थे, हमने घर देते हैं 1 लाख रुपए सैंक्शन कर कहीं गलत तक हमने कौन कौन किच बोले वो भी नहीं कला कबूल का आया हमने। हमारे अम्मी अब उम्र वाले, एक घर नहीं, एक घाट नहीं है 10 साल 12 साल से बारिश में हमें रोड पर सो को ही हमें एक घर तक नहीं है। रोनो 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 को रोनो को तुम्हारा जो गम है वो तुम्हारी तकलीफ तुम ना रोना रही है सो। दो बच्चे तुम ना। अस्सलाम वालेकुम बहू भाई, आज इस हलके के एमएलए जीडी देवगढ़ यहाँ पे आए हुए थे, तमाम ने अपने अपने मुश्किल बयान किए, चाहे वो यूजीडी हो या यहाँ का इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो या यहाँ जो एक्सीडेंट जोन है उसको लेकर हो, और यहाँ मकान जिनके पास नहीं है, सालों से किराए में है, ऐसे लोगों को, और खुसूसन आप, आपकी जानिब से अमृता बढ़ाने के लिए एक दरख्वास्त दी गई, अब बताइए क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात, जो हमारे 1.5 साल की मेहनत थी आज रंग लगा है। इसकी वजह क्या? हमारे चामुंडी क्षेत्र के जो एमएलए हमारे जी टी देवड़ा साहब एक्स मिनिस्टर जो हैं, हम उनके पास एक फरियाद लेकर गए थे। फरियाद क्या थी? ये जो 100 जो झोपड़ियाँ हैं ये कम से कम 10 साल से उन्होंने वहाँ पर मकाम कर लगे हैं, लेकिन बारिश आने की वजह से, धूप की वजह से जो यूजीडी का प्रॉब्लम है जी। गंदा पानी आप भी आपको वहाँ पर जी, जी, हम एक साल पहले वहाँ न्यूज़ का कवर करे थे। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें थोड़ा डॉक्यूमेंट्स, हमें गवर्नमेंट के लेवल में थोड़ा डॉक्यूमेंट डेवलप करे थे, उसके बाद हमारे जीटी देवड़ा सब कुछ आपको मिले हैं, हमें यहाँ की जो हालात किए बताए हमें उन्होंने क्या बोले,
ಇಲ್ಲ ಬಾಬು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ಭಾರತ್ ನಗರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋಲತ್ತೆ ಅವನು ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೋಲತ್ತು ಐಸಾ ಆಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಆಕರ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅದಮ್ಯಾಂಗೆ ತಾಲೂಕು ಸೇ ಯು ಜಿ ಡಿ ಕಾ ಜೊ ಮಸಲಾ ಹೇ ಏಕ್ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಮಾರಾ ಏಕ್ ಐಮಾಕ್ಸ್ ಔರ್ ಜೋ ಝೋಪಡ್ಯಾಂಗಾ ಜೊ ಮಸಲಾ ಹೇ ಜೋ ಝೋಪಡ್ಯಾಂಗಾ ಮಸಲಾ ಜೊ ಹೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಿರ್ ಸೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ रिलीज कर वो यहाँ ऑफिसर्स को बुलाकर यहाँ पर उनके एप्लीकेशन जो भी यहाँ सबमिट कर लेकर और उन्होंने एक जगह घरान देना कर जो घरान देने का जो प्रोग्राम इंशाल्लाह उन्हें इमिडिएटली हो जा रहा और उसके साथ साथ दो रोडान जो है यहाँ के बहुत ख़राब थे वो दो रोडान जो है इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल करने के वास्ते बोल कर हैं और अतराफ जो है ये बाहर के आदमियों को कचरा डालते थे इसके ताल्लुक से भी पुलिस को डायरेक्शन देकर ही और यहाँ के आदमियों को भी एक मशवरा कर ही कोई भी कचरा डालो न को और यहाँ पर कंटेनर नहीं थे कंटेनर रखने के वास्ते एक 6-7 कंटेनर्स जो ही रखो कल को है ना प्रेजेंट जो ऑफिसर्स थे उनको डायरेक्शन देकर ही इंशाल्लाह वो कंटेनर्स भी आकर यहाँ पर रह जाएगा उसके बाद जो यहाँ के मकाम है उस कंटेनर के अंदर कचरा डालेंगे तो पाकी सफी का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा बाबू भाई पीर को जो ऑफिसर्स आ रहे हैं यहाँ पे एक तरह से एक सहूलत है कि ये लोग वहाँ जाने की बजाय वो लोग यहाँ आ रहे हैं यानी एक डेस्क का यहाँ पे इंतजाम होगा जो लोग आधार वगैरह दस्तावेज जो देते हैं वो यहाँ जमा कर सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद रहते हुए लोगों की सरपरस्ती करेंगे इंशाल्लाह जरूर क्योंकि लोगों को मालूमात नहीं रहती कि किस नहीं, ये है ये खुशी की बात क्या है कि तो हमारे एमएलए साहब जो हैं उन्होंने चाहते तो नहीं तुम्हें जाकर वहाँ जी बना लेकर बोल सकते थे जी। उनकी एक अच्छा ही उनकी जो एक सरपरस्ती जो उन्होंने गुरबा में बैठ कर ही उनको अच्छा मालूम तकलीफ क्या है बोलकर इस वजह से उन्होंने क्या बोलेगा तो तुम्हें जाऊनों को कोरोना का मामला उस वास्ते मैं ऑफिसर को यहाँ से अपॉइंट करता हूँ और अपॉइंट करके तुम्हें यहाँ उसका जो फायदा उठा लो अगर डॉक्यूमेंट्स कुछ कम सरस है तो भी इंशाल्लाह मुझे मालूमात करो मैं उसे मुकम्मल करा कर देता हूँ बोल को वादा करूँ। अच्छा मेरे सामने यहाँ भारत नगर के लोगों ने एक शिकायत की कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी घर है यानी जिसके अलर्ट हो चुका है उन लोगों को और दोबारा अलर्ट हो सकता है इसलिए लोगों की ये फिक्र थी कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिले तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे। चंद ऐसा है यहाँ पर चंद अहबाब जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर उन्होंने मुकम्मल हमारे एमएलए साहब के पास बात रखकर हैं ये जिसे घर नहीं है उसे घर देने की कोशिश कीजिए जो घर है उसे फिर अलावा एक तरह से नाइंसाफी नहीं होना बोलकर है इंशाल्लाह वो बात पर उन लब्बैक कहते हुए उनकी बात की इज्जत रखकर है वो चीज नहीं होने देंगे इंशाल्लाह।